हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूरम सस्वी 24 में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं दाल पालक, जो कि शुद्ध बना रहे हैं। जैसे नवरात्रि में लहसुन प्याज लोग नहीं खाते हैं, घर के अदर लोग भी मेंबर, जैसे कि जो व्रती व्रत करते हैं तो वो तो नहीं खाते हैं, बाकी लोग भी शुद्ध शाकाहारी खाते हैं, लहसुन प्याज का उपयोग बंद कर देते हैं। तो हम लोग बिना लहसुन प्याज का दाल पालक बना रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दाल पालक बनाने के लिए, जिसमें कि हम लोग लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लिए हैं दाल, 4 चम्मच सब मिला के दाल है। इसमें है 2 चम्मच अरहर का दाल है, यानी तुअर का दाल, 1 चम्मच मसूर का दाल और 1/2 चम्मच मूंग का दाल है। इसको हम अच्छे से धो करके साफ कर लिए हैं, बहुत जल्दी पकने वाला दाल है, इसमें चना दाल नहीं डाले हैं। साथ में लिए हैं 1 बड़ा बाउल पालक, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, 1 चम्मच 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा नमक अंदाज से, ठीक है, 2 छोटी हरी मिर्च लिए हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ है, और तड़के के लिए तेज़पत्ता 2 सूखा लाल मिर्च, खड़ा जीरा। और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कुकर ले लिए हैं और इसमें हम दाल, धोया हुआ साफ किया हुआ दाल डाल देंगे। इसमें कटा हुआ पालक डाल देंगे, टमाटर भी इसी में डाल देंगे, हल्दी पाउडर, अदरक ग्रेट किया हुआ, हरी मिर्च भी डाल देंगे और गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। गरम मसाला इसी में हम लोग नमक भी अंदाज से डाल देंगे। इसको भून के भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही झटपट से बनने वाला दाल है और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी, पौष्टिकता से भरपूर, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे, इसमें हम अंदाज से पानी डाल देंगे, पालक के कारण दाल बढ़ता है। थोड़ा और पानी डालेंगे ताकि डूब जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि कुकर से बाहर आने लगेगा पानी, इसलिए हम लोग अंदाज से ही पानी पहले कम डालेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बाद में डालेंगे। अब इसको हम लोग पैक कर देते हैं, कवर कर देते हैं और इसको 3 सीटी लगाएंगे ताकि अच्छे से दाल हमारा पक जाए, और उसके बाद में 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे, और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए कुकर तब हम लोग इसको खोलेंगे। ये 3 सीटी के बाद हम ढक्कन खोल दिए हैं और बहुत ही परफेक्ट कलर आया है, देखिए खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसको हम लोग लास्ट में फ्लेम कम कर दिए थे, बिल्कुल लो कर दिए थे, देखिए बहुत ही अच्छा से पक गया है, देखिए बहुत अच्छा से पक गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका तड़का का तैयारी कर लेते हैं। घी का यूज़ करेंगे, घी पिघल रहा है, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे क्योंकि जीरा डालेंगे तो चटकेगा। अब इसमें हम जीरा डाल दे रहे हैं, सूखा लाल मिर्च, चीनी, और गैस का फ्लेम बंद करके तेज़पत्ता डालेंगे। दाल पालक हमारा बन के रेडी है। अब इसके हम लोग सिर्फ तड़का डालेंगे, देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है, अच्छे अच्छे से डाल के मिला देंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छा बनता है दाल पालक बिना लहसुन प्याज का। इस तरह से आप भी एक बार बना के ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारा रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।